हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दाल मखनी के लिए 50 ग्राम राजमा रात भर भिगोकर और 250 ग्राम उड़द की दाल, इसको अच्छे से साफ कर लिया है मैंने। इसमें आवश्यकता अनुसार पानी, नमक, हल्दी और हींग डालकर इसको पका लेंगे गैस पर हम लोग। तड़के में 4-5 प्याज, लगभग 1 पाव, आधा किलो टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च 1 इंच के लगभग अदरक, 10-12 कलियां लहसुन और हरी मिर्च आवश्यकता अनुसार, और गरम मसाला 1 स्पून जीरा, 1/2 स्पून काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, जावित्री, 1 इंच दालचीनी, जायफल, 1 इलायची और लौंग, बटर, 1 स्पून शुद्ध घी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और घर की क्रीम, कसूरी मेथी और लाल मिर्च पाउडर ऊपर से तड़के के लिए। कढ़ाई में 1 चम्मच घी और 1 चम्मच के लगभग बटर डालकर उसमें तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च, हींग, जीरा तड़के में डाल देंगे हम लोग। जीरा चटकने पर बारीक कटा प्याज डालकर इसको चला लेंगे और मध्यम आंच पर इसको हम लोग भूनेंगे ढककर। प्याज भून जाने पर लहसुन, अदरक, मिर्ची का पेस्ट डालकर चला लेंगे। फिर टमाटो की प्यूरी जो हमने बनाई थी उसे डालेंगे। 2-3 मिनट के लगभग टमाटर को हम लोग ढककर भूनेंगे, फिर इसमें नमक डालेंगे। टमाटर हमारा रेडी, टमाटर मिक्स कर दिया मैंने। अब इसमें गरम मसाला का पाउडर और 1 स्पून क्रीम, आप इस मात्रा को बढ़ा भी सकते हैं। दाल रेडी है मेरा, अब हम लोग तड़का देंगे। पैन गरम करके इसमें बटर 1 स्पून के लगभग और कसूरी मेथी और लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। गैस तुरंत ऑफ करेंगे और तड़के को दाल में पलट देंगे। मिक्स वेज के लिए 200 ग्राम पनीर, 100 ग्राम बीन्स, 100 ग्राम गोभी, 2 गाजर बड़े और कैप्सिकम, 1 बड़ा, 2 कलियां लहसुन और 4 हरी मिर्च, 1 मैगी मसाला पाउच डालेंगे। 1 स्पून तेल गरम कर लिया मैंने, इसमें फूल गोभी डालकर इसको तेज आंच पे हल्का फ्राई कर लेंगे। गोभी निकाल कर उसे कढ़ाई में 1/2 स्पून तेल और डालकर पनीर को भी हल्का गुलाबी करेंगे। पनीर को भी निकाल लेंगे। इसके बाद तेल में जीरा का तड़का, हींग, हरी मिर्च डालकर सौटे करेंगे। जीरा तड़कने लगेगा तो उसमें बीन्स, गाजर, कैप्सिकम भी डाल देंगे, हल्दी, नमक, सब अच्छे से मिक्स करके ढककर बीच आंच पर सब्जी को हम पकाएंगे। सब्जी लगभग आधी पक चुकी है, अब यहाँ पर हम गोभी और पनीर भी मिक्स करेंगे। मैगी मसाला के शैसे से लगभग 1 स्पून मसाला है, इसको भी मिक्स करेंगे। 1/4 स्पून के लगभग काली मिर्च पाउडर डालेंगे, इसको भी मिक्स करके गैस ऑफ कर देंगे और आधा नींबू का रस निचोड़ देंगे ऊपर से और धनिया के पत्ती से गार्निश कर देंगे। नान बनाने के लिए 1/2 kg मैदा में बीच में होल करेंगे, 1 स्पून शुगर, 1 स्पून नमक, 1/1 स्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 स्पून मीठा सोडा, खाने वाला सोडा डालेंगे, 1 कप के लगभग दही डालकर इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। आटे का सॉफ्ट डो लगा लेंगे, हाथ में घी लगाकर डो के ऊपर से हम लोग लगा के अच्छे से मसल देंगे जिससे कि ये सूखे नहीं। फिर 1 घंटे तक इसको ढक कर रख देंगे फर्मेंट होने के लिए। नान बनाना शुरू करेंगे। अब हम नान को रोटी से थोड़ा सा मोटा बेलेंगे, धनिया का पत्ती स्प्रेड कर लेंगे, सुंदर दिखता है। नान पर पानी वाले हाथ से हल्का प्रेस करते हुए हम पानी लगा लेंगे। गरम तवे पर
पानी वाले ओर से हम नान को डाल देंगे। धीमी आंच पर तवे को पलटकर हम चारों तरफ से घुमाते हुए नान को अच्छी तरह से सेक लेंगे। नान हमारा रेडी है। नान पर बटर और धनिया की पत्ती का मिक्सचर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। कल नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। थैंक यू।